बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये अपने भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है। बहुत कैंडिडेट इसमें जॉब करने की एक आशा रखते हैं और जिसको भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जॉब करना है उनका ड्रीम जॉब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना। आज हम लोग ऐसे ही जॉब की बात करेंगे जहाँ पर आप अपने ड्रीम जॉब तक पहुँच सकते हैं विदाउट इंटरव्यू। यस, इंटरव्यू दिए बिना एंड एज अ फ्रेशर भी आप ये जॉब के लिए जा सकते हैं। दिस इज श्याम राउत, आपका IIKD के चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं जहाँ पे आपके जॉब की इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में प्रोवाइड की है। इस वीडियो को देख आप लास्ट तक देख लेना क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर आपके लिए है जो आपको ये जॉब तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूर शेयर करना बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचनी चाहिए। सिर्फ आपने देखा इसे मत रखना, आपके रिलेटिव में आपके सोशल ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करके बाकी आप जैसे कैंडिडेट्स को आप हेल्प कर लें। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले RBI असिस्टेंट 2023 के वैकेंसी के बारे में। ऑलमोस्ट 450 वैकेंसीज है इसमें और आपको ये जॉब विदाउट इंटरव्यू मिलने वाला है। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 4 अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। RBI के साइट पे आपको जाके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। इसकी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर आप शेड्यूल देखा जाएगा तो आप अप्लाई करने के बाद इसमें आपको प्रीलिम और मेंस ऐसे दो एग्ज़ाम रहेंगे। ये प्रीलिम एग्ज़ाम आपका October 21st एंड October 23rd को रहेगा, ये टेंटेटिव डेट है, और मेन एग्ज़ाम आपको टेंटेटिवली 2nd December में रहेगा। राइट, ये दो एग्ज़ाम आप क्लियर करने के बाद MCQ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगी, ऑनलाइन टेस्ट रहते हैं आपके, उनके सेंटर में जाके आपको टेस्ट देनी रहते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद आपका एक LPT रहेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या रहता है कि जिस स्टेट के थ्रू आप ये फॉर्म भरें, सपोज आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा तो आपको मराठी का एक टेस्ट हो जाएगा, अगर आपने गुजरात से भरा तो गुजराती, जो भी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपका एक LPT रहेगा। बट दिस इज़ ओनली क्वालिफाइंग, जब आप मेन एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो ही आपको सिर्फ क्वालिफाइंग बेसिस पे ये टेस्ट देना रहता है। नाउ अगर आगे की बात करें, जैसे आपका एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो और आपका एज 20 से 28 साल है, मेल फीमेल कोई भी चलेगा, 20 से 28 है। कब तक? 1 सितंबर 2023 में अगर आपका एज कैलकुलेट किया हो जो 20 से 28 के बीच में आ जाता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे कुछ रिजर्वेशन है, जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, अगर आप SC कैटेगरी से तो 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो 31 एज तक अप्लाई कर सकते हो, और SC कैटेगरी में है तो आप 33 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। राइट, नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो शुड बी मिनिमम ग्रेजुएट, 10+2+3 पैटर्न में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, और मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप कैटेगरीज में आते हो तो पास क्लास भी चल सकता है। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये 50% मार्क्स किस तरह से आपके होने चाहिए। सो, अगर ये 50% मार्क्स की बात करें तो जैसे कि नॉर्मली आप देखा जाता है कि अभी जो रिजल्ट आते हैं उसमें CGPA, OGPA या CPI दिया जाता है। सो, अगर हम लोग 50% मार्क्स की कंसिडर करें तो कम से कम 5.75 ये रहेगा तो आपका 50% है, मतलब उस इतना है उससे अबव होना चाहिए। 6.75 मीन 60% एंड 6.25 मतलब 55%। सो, कम से कम आपका 5.75 CGPA या OGPA और CPI होना चाहिए, देन इज कंसिडर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं आगे कि भाई आपका पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल के लिए देखिए ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब आपके लिए है। इसमें आपको 47 ग्रॉस मंथली सैलरी 47,849 रहेगी, क्रॉस मंथली 47,849 स्टार्ट सैलरी रहेगी, उसके साथ एकोमोडेशन भी रहेगा। और अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते तो 15% 15% आपको HRA एक्स्ट्रा भी मिलेगा, उसके साथ और बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, एजुकेशन अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस या बहुत सारे अदर अलाउंस, जैसे आप कुछ घर में फर्नीचर बनाते हैं वो भी अलाउंस इसमें आपको एडिशनल मिल जाते हैं। सो यू कैन सी RBI में जॉब करना लोग क्यों चाहते हैं। सो ये पे स्केल है। नाउ लेट्स सी कि इसमें आप किस तरह से अप्लाई करने के बाद किस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है। नाउ आपने अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट रहती है, प्रीलिम टेस्ट रहेगी। ये प्रीलिम टेस्ट आपकी रहेगी 100 मार्क्स की और आपको 100 मिनट्स दिया जाएगा। 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स रहेंगे,
न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स रहेंगे एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड आपको उसमें 20 मार्क्स रहेंगे। ऐसे आपको टोटल 60 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नाउ इसमें आपका स्टेट वाइज मेरिट लग जाता है, राइट, कट ऑफ लग जाता है। इसमें अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जो आपको 2 दिसंबर में रहेगा। नाउ मेन एग्जाम आपको 200 मार्क्स का रहेगा। इस 200 मार्क्स में आपका रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स दिया जाएगा, देन इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स दिया जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है लेकिन 25 मिनट्स दिया जाता है, एंड कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आपको कोई सॉफ्टवेयर या डेप्थ में कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स रहेंगे। ये भी सब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं एंड इसमें आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग लगता है। नाउ इसमें आपका मेरिट लगता है, कट ऑफ लग जाता है, और अगर आपने क्वालिफाई किया फिर आपको LPT के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। नाउ जो LPT है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जस्ट चेक किया जाता है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आ रही कि नहीं आ रही, दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग लेवल। सो अगर आपको RBI में जॉब करना है सो आपको ये चार सब्जेक्ट है, रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप मैथ्स भी बोल सकते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल पे जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के टेस्ट रहेंगे। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, बेसिक ग्रामर रहता है उसमें, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस में मोस्टली आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस एस्पेक्ट्स एंड करंट अफेयर्स, रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में क्या क्या करंट अफेयर्स फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस आपको रहते हैं, एंड कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। सो ये चार सब्जेक्ट, आप 5 सब्जेक्ट आप करने से आप RBI में जॉब पा सकते हैं, राइट। दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। देट लेट्स अंडरस्टैंड, जब आप अप्लाई करोगे तो किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको RBI के साइट पे जाए, जैसे मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है, वहाँ पे आप डिटेल में अप्लाई कीजिए। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन पे जैसा नाम है, जैसे कि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे, वही वहाँ पे आपको मेंशन करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने रहते हैं। नाउ मैं आपको एक डिटेल बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन करने के लिए आपको बेसिकली कौन से चीज़ ध्यान रखने चाहिए, राइट। डिटेल इसका जो नोटिफिकेशन है वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ स्कैन कॉपी चाहिए, जैसे आपका फोटो का स्कैन कॉपी चाहिए या फोटोग्राफ चाहिए रहता है, राइट। ये फोटोग्राफ 4.5 सेमी बाय 3.5 सेमी का होना चाहिए, ध्यान रखना है ये फोटोग्राफ के लिए, क्योंकि अगर आपका फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसे रिजेक्ट हो जाता है, उसे समझते नहीं कि अप्लाई किया था, एग्जाम का हॉल टिकट क्यों नहीं आया, राइट। ये फोटोग्राफ रिसेंट फोटोग्राफ कलर में होना चाहिए, बैकग्राउंड मोस्टली वाइट होना चाहिए इसमें, है ना। लुक स्ट्रेट, मतलब कैमरे आपको स्ट्रेट देखना है, राइट, रिलैक्स फेस रखना है, एंड बेसिकली हैट कैप गॉगल लगा के नहीं, है ना, इस टाइप का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर फ्लैश यूज़ किया तो रेड आई नहीं होना चाहिए, मतलब आपके आई में जो रेड स्पॉट आता है वो नहीं आना चाहिए, राइट। डायमेंशन 200 बाय 230 पिक्सल्स में प्रिफर्ड किया जाएगा और उसका साइज 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। ऐसा फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है आपका। देन जो सिग्नेचर आपको अपलोड करनी रहती है आपकी, वाइट पेपर पे ब्लैंक इंक पे आपको सिग्नेचर करनी है आपकी, राइट। ये सिग्नेचर प्रिफरेबली 140 बाय 60 पिक्सल्स में होनी चाहिए और 10 KB टू 20 KB के ये रेंज में उसकी साइज होनी चाहिए, ठीक है। देन एप्लीकेशन के लिए आपको जो थंब इम्प्रेशन आप ब्लू या ब्लैक इंक यूज़ कर सकते हो, जो आपको पेपर पे थंब इम्प्रेशन देना है, इसका भी 240 बाय 240 पिक्सल, है ना, 200 dpi अप्रॉक्सली कैन से, एंड साइज 20 KB टू 50 KB होनी चाहिए। इसके साथ अगर आपको कोई डिक्लेरेशन वहाँ पे देना रहेगा वो भी आपको वाइट पेपर पे ब्लैंक इंक में प्रिफरेबली इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें आपका 10 सेमी बाय 5 सेमी इसी टाइप का पेपर होना चाहिए और हाइट 50 साइज उसकी 50 to 100 KB में होनी चाहिए, राइट। ये आप ज़रूर इसके स्कैन करके रखना और इसी साइज़ के आपका कोई भी इस तरह के PSU के एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देते हो तो इसी साइज़ के आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पे अपलोड करने के लिए, राइट। सो ये आप करके रखो कि एक बार ना आपको हर एग्ज़ाम में वो यूज़ होने वाले हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ रिगार्डिंग RBI के जो वैकेंसीज आए, 450 वैकेंसीज है, विदाउट इंटरव्यू आपको जॉब मिलने के चांसेस इसमें हैं। दिसंबर तक आपका फाइनल एग्ज़ाम भी हो जाएगा, मीन 2024 में जब आप एंट्री करोगे तो शायद जॉब आपके हाथ में रहेगा, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अपॉर्चुनिटी मत गवा मत देना इस चीज़ के लिए।
अभी IIKD इसके लिए आपको क्या, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि कुछ आपके लिए स्पेशल लास्ट में मैं बोलने वाला हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट नोन फॉर द कैसमेट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। इस मेथोडोलॉजी के थ्रू बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स बैंकिंग एग्जाम देके सिलेक्ट हो चुके हैं। इस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जाता है। क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए हम आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, नीचे लिंक भी दी गई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट दे देंगे और आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, राइट। ऑनलाइन अगर आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है तो ऑनलाइन कोर्सेज हमारे अवेलेबल है, जहाँ पे नीचे लिंक दी गई, आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। 35 to 40 days में आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। डिटेल में 200+ लेक्चर्स है उसमें आपको मॉक टेस्ट है, टॉपिक्स वाइज टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशंस है टेस्ट के लिए, डिटेल आंसर दी गई है एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको लिए अवेलेबल किए गए। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स कुछ दिनों के लिए स्पेशल फॉर आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरह के जॉब में जाना चाहते हैं, उसमें आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। बस आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है, RBI 2023 आप कूपन कोड यूज़ कीजिए और फ्लैट 30% आपको इस कोर्स में डिस्काउंट मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स में डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए। सो दोस्तों, ये था हमारा RBI के वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन। कुछ दिनों में हम लोग और एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, उसमें आप इस एग्ज़ाम के लिए कैसे स्टडी करना चाहिए डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के बाद टॉपिक कैसे रहेंगे, क्वेश्चंस कौन से टॉपिक आ सकते हैं, उसमें कट ऑफ लगने का कितना चांसेस है, इसका डिटेल वीडियो आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया, और रेगुलर बेसिस से बहुत सारे वैकेंसी में हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए करना और ये वीडियो का लिंक प्लीज़ सबको सबमिट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब करना है लेकिन पता नहीं चलता कैसे अप्लाई करना है और किस तरह जॉब तक पहुंचना चाहिए। दिस इज श्याम राव नाउ साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन। थैंक्स।